हेलो दोस्तों, आप लोगों ने क्रिकेट के बारे में सुना तो होगा ही, और जाहिर है कि आप लोगों ने अपने बचपन में इस खेल को खेला भी जरूर होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम क्रिकेट के पीछे छिपे सच से आप लोगों को अवगत करवाते हैं। दोस्तों, सभी मैचों का लक्ष्य एक ही होता है, और वो है मनोरंजन, यानी लोगों का एंटरटेनमेंट करना। कोई भी खेल ना तो हमारे रोगों का निदान करता है और ना ही मानव ज्ञान को बढ़ाता है। बस खिलाड़ी आकर्षक पोशाकें पहनकर मैदान में एक बल्ले से गेंद को घुमा देने का खेल खेलते हैं, और इसी से एक बड़े जनसमूह का मनोरंजन किया जाता है। लेकिन कुछ लोग खेलों की तुलना जीवन के खेल से करने लगते हैं। वह व्यक्तियों के बीच हो रहे खेल को दो देशों के बीच बांट देते हैं और एक दूसरे के प्रति घृणा करने लगते हैं, जो कि गलत है। और तो और, कमेंटेटर्स उस कांटे की मैच का वर्णन इतना विस्तार से कर देते हैं, पर वे कभी किसी वैज्ञानिक या विद्वान के लिए कभी कुछ नहीं लिखते। एक अच्छे खेल का उद्देश्य होता है कि वह लोगों का मनोरंजन कराए, हर प्रॉब्लम से दूर रखे, नैतिकता का पाठ सिखाए, नियम का पालन करना सिखाए, और खेल को ईमानदारी से खेलना सिखाए। खेल हमारे अंदर की हिंसा को अहिंसा में बदल देता है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के आपसी संबंध ठीक नहीं है और लोग एक दूसरे के प्रति काफ़ी घृणा रखते हैं। इतनी घृणा कि यदि दोनों देशों के लोगों को एक साथ छोड़ दिया जाए तो शायद लाखों लोगों की जान जा सकती है, पर वह घृणा लोग एक मैच के द्वारा पूरी कर लेते हैं, वो भी बिना किसी हिंसा के। बस उन्हें एक ठंडी बियर की बोतल लेकर टीवी के सामने जाकर बैठना है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होता है तो हम देख सकते हैं कि ये मैच कभी भी सही केवल मैच की भावना से नहीं खेले जाते, क्योंकि दोनों देशों के खिलाड़ी अपने मन में राष्ट्रीय तथा धार्मिक घृणा लिए हुए खेलते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक ही संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये दोनों देश असली युद्ध की बजाय खेल के मैदान में लड़े जाने वाले युद्ध का मजा टीवी पर ही ले लिया करते हैं। इसलिए दोनों देशों के लोगों को योद्धा का नाम दिया गया है, जो एक सुरक्षा स्थिति में बैठे बैठे ही युद्ध लड़ते हैं। दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और हमारे दोनों पक्षों के कमेंटेटर्स और पॉलिटिकल लीडर्स को इसमें अपनी भागीदारी देनी चाहिए, और तो और, अराजकता फैलानी चाहिए कि दोनों ओर के खिलाड़ियों को यह खेल महज मित्रों की तरह खेलना चाहिए और इसे देश की भावना से नहीं जोड़ना चाहिए। सुझाव: खेलों में राष्ट्र के प्रति गलत भावनाओं को खत्म कर देना चाहिए। हमारे कमेंटेटर तथा मीडिया पहले पक्ष की जितनी तारीफ करते हैं उतनी ही दूसरे पक्ष की भी करनी चाहिए, और मनगढ़ंत कहानियों के कारण किसी अन्य देश के प्रति घृणा की भावना नहीं रखनी चाहिए। किसी मैच के विजय या पराजय में किसी देश के सम्मान और अपमान का कोई स्थान नहीं होता। यह महज एक खेल है और सिर्फ मनोरंजन के लिए खेला जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।